खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी रोशनी क्षेत्र के ग्राम भोजू ढाना में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा रोशनी पुलिस ने किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल 2019 को सूचनाकर्ता मनोहरी पिता कुंजीलाल कोरकू उम्र 40 वर्ष निवासी भोजूढाना सूचना किया कि उसका मामा भैयालाल पिता नानू जाति कोरकू उम्र 55 वर्ष निवासी भोजूढाना मृत अवस्था में ग्राम के प्रतीक्षालय के समीप मिला है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर थाना खालवा में मर्ग क्रमांक 24/19 धारा 174 कायम कर जाँच में लिया गया। पीएम रिपोर्ट में मृतक की मौत गला दबाने से बताया गया, जिसके आधार पर खालवा थाना में अपराध क्रमांक 191/19 की धारा 302 का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घर से सदस्य एवं सूचनाकर्ता मनोहरी से सख्ती से पूछताछ करते हुए सूचनाकर्ता द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है। थाना खालवा शोकी रोशनी में दिनांक 16/4/2019 को ढाना में जो मेरे भैया पिता नानी उसकी डेड बॉडी बस स्टैंड में मिली थी, इस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। मर्ग जांच के दौरान बयान लिए गए और पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें इसकी जो है जिसकी जिसमें गलत आवाने से इसकी हत्या होना पाया गया था, जिसमें थाना कालवा चौकी रोशनी में अपराध क्रमांक 191/19 में 302 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इसके परिजनों से इसे पूछताछ की गई, जिसमें इसके जो इसका जो भतीजा है इसने पत्नी से विवाद किया था और बीच बचाव में ये जो है भैया लाल पहुंचा था, तो इसकी इसने गलत दबा के रात में हत्या कर दी थी। और दोपहर न्यूज़ के लिए खंडवा से अंकित मार्कंडिया की रिपोर्ट।